नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रविंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल, भारत की शानदार जीत। बैक टू बैक दो मैचों में भारत ने शानदार जीत हासिल की। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले तो पाकिस्तान को हराया, फिर वेस्ट इंडीज को। हमारी महिला क्रिकेट टीम बहुत तेजी से सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्ल्ड कप भी हमारा ही होगा। क्या बात है सर। दोनों ही मैचों में भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने कमाल की बैटिंग की। दोनों ही मैचों में उनका योगदान बहुत ही अहम रहा। कल के मैच में वेस्टइंडीज पहला विकेट गिरने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर भारत की बेस्ट स्पिनर दीप्ति शर्मा ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर वेस्टइंडीज की रन रेट पर लगाम लगा। वेस्टइंडीज 20 ओवर में केवल 118 रन ही बना सका। इसके बाद भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की बेस्ट स्पिनर दीप्ति शर्मा T20 में 100 विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ वो भारत की पहली और दुनिया की छठी गेंदबाज बन चुकी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 150 रनों का टारगेट चेज करने के बाद हमारी टीम का कॉन्फिडेंस काफी हाई था, फिर वेस्टइंडीज को हराने के बाद उनका आत्मविश्वास डबल हो गया है। अगला मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें, अगला मुकाबला भारत का इंग्लैंड के साथ 18 फरवरी को खेला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।